नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अधिक पैसा आप शॉपिंग में आप खर्च करते हैं, तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए। और वो भी कौन सा? सबसे पहले आप अमेजान का जो ICICI का कार्ड है, जिसका नाम है अमेजान पे ICICI कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसमें आपको ना तो कोई ज्वाइनिंग फीस देनी है और ना ही किसी प्रकार की एनुअल फीस है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप जो है अमेजान का जो कार्ड है, अमेजान पे ICICI कार्ड, उसको प्रेफर कीजिए। और उसके बाद आता है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का जो कार्ड मिलता है वो है फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको ज्वाइनिंग फीस जो है 500 रुपये के आसपास खर्च करनी पड़ेगी और एनुअल फीस भी लगभग ही 500 रुपये रहेगी। अब समझने वाली बात है कि जो दोनों हमारे पास जो कार्ड हैं, इन कार्डों में जो मुख्य बेनिफिट क्या है। तो हम देखेंगे कि हम जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका जो है 5% हमें कैशबैक मिल जाता है, अन्य कार्ड में ऐसी सुविधा नहीं है। दूसरी बात क्या है, यदि आप इस कार्ड के माध्यम से मान लीजिए कोई 50,000 की मोबाइल आपने मान लीजिए लिया, 50,000 का मोबाइल लिया, 50,000 का कंप्यूटर या ले लिया, तो आप क्या करेंगे, उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें जो है आप जैसे मान लीजिए 50,000 का लेंगे तो आपका मुश्किल से बहुत 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप प्रतिमाह 2 साल तक दे देंगे, तो आप बहुत ही आसानी से उस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपका कार्य भी